हेलो गाइस, पूर्णिमा किचन में आप सबका स्वागत है। मैं पूर्णिमा, आप सबको जोहार दोस्तों। तो चलिए आज हम बनाएंगे कच्चू की सब्ज़ी। कच्चू की सब्ज़ी बनाने के लिए हमने लिया है प्याज, लहसुन, मिर्च दोस्तों। तो देखिए इस तरह से हमने जार में अच्छी तरह से पीस लेंगे। अगर आप चाहें तो सील में भी आप पीस सकते हैं दोस्तों। ये सभी मसाला डालने के बाद हम टमाटर साथ में पीस कर मसाला तैयार करेंगे। कच्चू को हम सरसों तेल में फ्राई करेंगे दोस्तों। ब्राउन होने तक इसे फ्राई करना है। ब्राउन हो जाने के बाद हम कटे हुए प्याज ऊपर से डालेंगे और साथ में भून लेंगे दोस्तों। कच्चू के सीजन बरसात में मिलते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं दोस्तों खाने में। अगर आपको मेरे चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों। और देखिए सभी मसाला को हम जो पीस के रखे थे उसे अच्छी तरह से डालकर अच्छी तरह से पका लेंगे दोस्तों। इसे अच्छी तरह से भूनना है। थोड़ी सी नमक हम डालेंगे, हल्दी डालेंगे कलर के लिए, मिक्स मसाला हम भून के रखे हुए थे, जीरा, गुलकी, धनिया, सभी को हम डालकर अच्छी तरह से चलाएंगे दोस्तों। गरम मसाला हम ऊपर से डालें हैं और इसे अच्छी तरह से भूनने के बाद हम पानी डालकर अच्छी तरह से उबालेंगे। एक दो उबाल आने के बाद कच्चू बहुत अच्छी तरह से पक